फेरीज कहने के लिए एक मिथिकल क्रिएचर है, लेकिन इनके अस्तित्व के बारे में हमेशा से सवाल उठाए जाते रहे हैं। अगर देखा जाए तो हर कल्चर में हमें फेरीज का वर्णन मिल ही जाता है। जहाँ कुछ कल्चर्स में फेरीज को अच्छा बताया गया है, वहीं कुछ कल्चर्स में फेरीज को बुरा भी बताया जाता है। कहा जाता है कि फेरीज ना ही इतनी अच्छी कि उन्हें स्वर्ग में रखा जाए और ना ही इतनी बुरी है कि उन्हें नरक में डाल दिया जाए। इसलिए फेरीज हमारे तरफ धरती पर रहती है। आयरिश लेजेंड बंशी, वो भी एक फेरी है, लेकिन वो काफी ईविल फेरी मानी जाती है। कहा जाता है कि ये सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने आती है जिनके साथ कुछ भयानक दुर्घटना घटने वाली होती है। ये लोगों को हमेशा रोते हुए दिखती है। इसका दिखना काफी अनलकी माना जाता है। गॉब्लिंस भी एक टाइप के फेरी ही होते हैं, लेकिन ये काफी ज्यादा शैतान होते हैं, इसलिए इनसे दूर रहने की ही सलाह दी जाती है। फेरी सर्कल्स, दुनिया में जगह जगह पर ऐसे नेचुरली बने हुए सर्कल्स को देखा गया है जिनका साइंटिस्ट के पास भी कोई जवाब नहीं होता। इन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्हें फेरीज बनाती है, और अगर किसी खास टाइम पे कोई इंसान इन फेरी सर्कल्स के अंदर जाता है तो फिर वो उस फेरी के कंट्रोल में आ जाता है जिसने ये फेरी सर्कल बनाया है। इन सर्कल्स के जरिए या तो फेरी से किसी इंसान को अपनी दुनिया में हमेशा के लिए ले जाती है, या फिर उन्हें 100 साल फ्यूचर में या 100 साल पास्ट में टेलीपोर्ट करके ले जाती है। फेरी सेटिंग्स इन स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड में फेरीज या एल्फ से इंकाउंटर होने की बातें शुरुआत से ही सामने आती रही है। स्कॉटलैंड में कहा जाता है कि अगर आपका सामना किसी ईविल फेरी से होता है, वो आपकी जान ले भी सकती है, आपकी आत्मा को हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले जाकर कैद करके रखती है। स्कॉटलैंड में नदन कोस्ट की फेरीज को हमेशा ही ईविल बताया गया है। स्कॉटलैंड के किंग जेम्स, उन्होंने ही वहाँ के लोगों को फेरीज पर बिलीव करना सिखाया। किंग जेम्स ने कहा था कि फेरीज डेमन्स के लिए काम करती है, वो आपकी आत्मा को अपने वर्ल्ड में ले जाकर हमेशा के लिए कैद कर कर रखती है। देखा जाए तो ईसाई धर्म में भी यही कहा गया है कि फेरीज शैतान होती है, वो डायनों के लिए काम करती है। कहा जाता है कि किंग जेम्स को उनकी मौत की चेतावनी उनकी मौत से कुछ दिन पहले ही एक फेरी ने दे दी थी, और उसके बाद उनकी मौत हो गई थी। अगर देखा जाए तो किंग जेम्स ने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ऐसे फेरी एनकाउंटर्स किए थे। स्कॉटलैंड में मान्यता है अगर कोई इंसान किसी फेरी को नाराज कर देता है तो फेरी उसे बीमार कर देती है, उसको अंधा कर देती है। अगर वो कोई फार्मर है तो उसके खेतों को सुखा भी देती है। कहा जाता है कि किसी भी फेरी के आगे हमें ग्रीन कलर नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि ग्रीन वो कलर है जिसे एक फेरी अपना समझती है, और इसलिए वो किसी को भी इस कलर में देख के खुश नहीं होती। लोग कहते हैं कि अगर आपका सामना किसी फेरी से हो जाता है तो फिर आपको उसके सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि फेरी आराम से समझ सकती है कि कोई इंसान कब सच बोल रहा है और कब झूठ, और फेरीज झूठ बोलने वालों को माफ नहीं करती है। इंडिया में उत्तराखंड में खेट पर्वत नाम की एक जगह है जिसे परियों का देश भी कहा जाता है। कहा जाता है इस इलाके से अगर आप किसी फ्रूट को बाहर लेकर जाओगे तो वो फ्रूट इस इलाके से बाहर जाते ही खराब हो जाता है, और अगर परियों को यहाँ पर कोई पसंद आ जाए तो परियां उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। यहाँ पर परियों की पूजा भी होती है। देखा जाए तो परियां अच्छी भी होती है और बुरी भी। और आप क्या सोचते हैं इनके बारे में,
कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी और अमेजिंग वीडियोस के लिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं, तो आप उस टॉपिक को कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कीजिए। आज का एपिसोड यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।